लगभग लगभग आम जन धारणा ये है कि महात्मा को पैसे नहीं मिलने चाहिए। महात्मा क्या करे पैसों का, साधु को पैसे की आवश्यकता क्या है, ये लोक धारणा है। महाराज आप क्या कहा, बाल बच्चे नहीं कुछ है नहीं, फिर भी इतना इतना पैसा लिए बैठे हो, क्या करोगे पैसे का, ये लोक धारणा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, गृहस्थियों से भी ज्यादा जरूरत पैसे की साधुओं को, गृहस्थी में कम जरूरत है, साधुओं को ज्यादा जरूरत है। क्यों, यदि गृहस्थी को पैसा मिलेगा तो वो कहां उपयोग करेगा उसको, वो अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए उपयोग करेगा। लेकिन साधु के पास यदि धन आया तो वो क्या उपयोग करेगा उसको, साधुओं का क्या, साधुओं की संपत्ति होती है समाज के लिए, परोपकार के लिए, परोपकाराय सत्यं विभूतया। दुष्ट को संपत्ति मिल जाए और साधु को संपत्ति मिल जाए, कौन सदुपयोग कर पाएगा, वो तो जिसका चित्त निर्बल हो गया है वही उस संपत्ति का सदुपयोग कर सकता है। दुष्ट को मिली तो उससे क्या बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा। और वही साधु का मतलब यह है जिसका चित्त निर्मल हो गया है, निर्मल मन जन, वो भगवान के कार्य में उसका इस्तेमाल होगा, उससे किसी का मंगल होगा, उससे यज्ञ होगा। और आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि मैं ना होता, मुझे माध्यम परमात्मा न बनाते, तो न तो ये कथा होती और न तो मैं पीने को शरबत मिलता कोई संभावना घर तो कोई पिलाने शरबत जाता नहीं। ये भगवान की अति कृपा है, तो ये तो व्यक्ति के ऊपर सुनिश्चित करता है कि कौन उसका सदुपयोग कर सकता है। सिरोली हमारा आगरा में एक स्थान है और हम जाते हैं, महीने में 2-3 चक्कर लग जाते हैं। तो वहां एक व्यक्ति है और वो बड़ा बड़ा आदमी कमिश्नर है, इनकम टैक्स का बड़ा कमिश्नर है। वो 200 रुपए क्या नाम है साधु को दक्षिणा दे रहा था, लोगों ने उसका नाम है देसी है, उसने लोगों ने कहा ये महात्माओं को बिगाड़ देगा, इतना पैसा देता है साधु, हम तो 200 वालों में नहीं, देख है हमारी तो ज्यादा क्या नाम है स्थिति होती है, लेकिन 200 सामान्य साधुओं को मिला। तो फिर क्या हुआ साहब, उसने बड़ा उत्तर दिया कि ये मेरे अर्थ का सदुपयोग, ये जो परमात्मा ने दिया है ये मेरा सदुपयोग है। यदि मैं तुम्हें देता हूँ 200 तो तुम लेकर के दारू पियोगे, और साधु को देता हूँ तो साधु इससे रामायण खरीदेगा, गीता खरीदेगा, भागवत खरीदेगा, उससे समाज का कितना कल्याण होगा। एक व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए। हवलदार जी ने तो हमें पहना दी, अब तुम तुम्हारी जानो, तो बिना छल के छल कपट त्याग करके परमात्मा की शरण में मनुष्य को जाना चाहिए। एक बड़ा परमेश्वर का एक बड़ा भोला भगत था कि वीडियो एक दिन देख रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा मार्ग का उदाहरण दिया, मैं आपको वो जिक्र करता हूं, आप भी उसको सुनकर के आनंदित हो जाएंगे। वृंदावन में एक संत घूमा करते थे और उनको कोई महाराज नहीं कह के बोलता था, उनको सब कहते कि जज साहब आ रहे हैं। वो पहले जज रहे थे, उनको कोई साधु महात्मा कहते नहीं बोलता था, सब कहते जज साहब आ रहे हैं। वो जज से साधु कैसे बने ये प्रसंग उन्होंने सुनाया। एक भगवान का भक्त उनके यहाँ एक क्या नाम है कोर्ट में एक अर्जी आई और वो उस पर पदस्थ थे, वो सीट पर बैठे हुए थे। एक अर्जी आई कि किसी व्यक्ति ने किसी से धन लिया और धन लेकर के वापस नहीं किया, तो वो जो क्या नाम है वो साहब था, जो क्या नाम जिसका धन था, जो वैश्य था, जो बोहरा था, उसने अर्जी डाली कि अमुक व्यक्ति ने मेरा पैसा वापस नहीं किया। पहले जो धनवान लोग होते थे
उनके पास धन देने का लाइसेंस होता था गवर्नमेंट की तरफ से, तो ब्याज का व्यवहार करते थे। 2 रुपए सैकड़ा की ब्याज में या 1 रुपए सैकड़ा की ब्याज में वो गरीबों में धन बांटा करते। आज बैंकों में रखते तो बैंक ब्याज देती है। पहले तो बड़ा जमींदार होता था, उसके यहाँ ये व्यवस्था। तो उस भगत का नाम माधव, माधव की एक कन्या थी, बड़ी हुई और नाव चलाने का कार्य करता था। केवट माधव के पुत्री थी, वो स्यानी हो गई। 2-3 बेटे थे, उन्होंने प्रयास किया कि पिताजी बहन हमारी स्यानी हो गई है, इसका विवाह कर। पिताजी ने कोई पैसे का इंतजाम तो है नहीं, पिताजी 2-3 हम हैं और कुछ आप कमाओगे, आप ऐसा करो कि जमींदार से धन लेकर के आ जाओ और उसको हम ब्याज सहित दे देंगे। तो वो शाम के टाइम भगा भगाया जमींदार के पास गया और जमींदार से कहा कि इस प्रकार का मामला है, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, उत्तम वर की मैंने तलाश की है, विवाह करना है, आप मुझे पैसे दें। तो पुराने जमाने की बात है, 200 रुपए उसने उसको दे दिए, ले जाओ और लिखवा लिया और पर्ची दे दी। लेकिन उस भगत का स्वभाव क्या था, कोई भी यदि काम करता था वो तो हमेशा कहता था कि मेरे रघुनाथ जान है, मेरे राम जान, राम इच्छा से। वो वैश्य से वहां से जमींदार से धन लेकर क्या गया, धन लेकर क्या गया, बड़े धूमधाम से पुत्री का विवाह किया। कोई पूछे बड़ा अच्छे से विवाह किया है, तो मेरे रघुनाथ जी ने, बड़ी दावत अच्छी बनवाई है, मेरे रघुनाथ जी ने बनवाई। पुत्री को बड़ा दान दहेज दिया है, वो मेरे रघुनाथ जी ने बनवाया। इस प्रकार अपने को श्रेय नहीं लेता, हमेशा श्रेय परमात्मा। तो कभी भी जब आप श्रेय लेते हो तो अहंकार जागृत होता है और जब परमात्मा को श्रेय देते हो तो अहंकार गल जाता है। यही नियम है, करने वाला भी परमात्मा, ये सत्य तो यही है। आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या है, शरीर में बीमारी प्रवेश कर जाए तो सारी जिंदगी दवाई खाते हैं लेकिन बीमारी नहीं निकल पाती। अभी कोई दुर्घटना घट जाए क्या कर पाओगे तुम अपने लिए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर भी दूर नहीं कर पाता है। तो करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंदर जाना, तो परमेश्वर जो घट में बैठा है, घट घट में, प्रत्येक घट में बैठा है, प्रत्येक हृदय में बैठा है, घट में है सूझे नहीं लालत ऐसे जिंद, और तुलसी या संसार भयो मोतिया। घट में है फिर भी दिखाई नहीं देता, लालत ऐसे जिंद, क्योंकि चित्त में छल है, लोभ है, कपट व्याप है, कैसे आएंगे भगवान जब तुमने निर्मल मन नहीं किया तो कैसे आएंगे। तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, मोतियाबिंद रह जाए काहे तो फिर दोनों दिखाई देने लग जाए, तो यह संसार के काहे वो मोतियाबिंद है, ठीक ना, प्रकट है सर्वत्र, जहां कुछ देख रहे हो सब परमात्मा है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि माया का आवरण है, मोतियाबिंद माया को मोतियाबिंद लगा होता है। मेरे रघुनाथ जी जाते हैं, केवट ने कुछ समय बीता और पैसे की व्यवस्था हो गई और पैसा लेकर के वो बुआ साहेब के पास पहुंचा। साहेब आपका पैसा कितना पैसा बना है, साहेब ने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगा कर उसको पर्ची बनाई कि भाई कितने पैसे ब्याज के बन रहे हैं और 200 आपके पास मूल रकम बन गई, ठीक है। तो उन्होंने वो और 2 रुपए बढ़ा के कि आपने हमारा समय पर काम कराया, आपने हमारी सहायता की, इसलिए और 2 रुपए बढ़ा के बनाए।
ये भक्त का लक्षण है, क्योंकि कृतज्ञता तो होनी चाहिए। लोगों के पास लोगों का आप उपकार करते हो तो अब तो समय ऐसा है कि वो कृतज्ञ भी नहीं होते, धन्यवाद भी नहीं करते, चुप चले जाते। और जिसकी सहायता की संभावना ये है कि वो ही तुम्हारी जड़ खोदने लग जाए। कुछ लोगों का इस तरीके का स्वभाव होता है। खैर, ये हर काल में थे, हर काल में रहेंगे। इन्होंने रामकृष्ण को भी नहीं छोड़ा, हमारी तुम्हारी तो बात क्या है। उन्होंने धर्म दे दिया कि साहिब अब मेरा हिसाब किताब कर दें, तो उसने पर्ची बनाई और पर्ची उसको पकड़ा दी। तो पूछा क्या ना मैं एक बार उससे कि तुम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। बोल मैं नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। लाओ लाओ पर्ची लाओ, मैं तो हिसाब किताब सही लिख देता हूँ। तो उसके लाना चाहते हृदय पढ़ा लिखा तो है नहीं, कम पैसे लिख दूँ और दोबारा बता दूँ, ऐसा लालच आया। उसने पर्ची ली, उसे कहा जाओ तुम क्या नाम है भीतर जाओ और से खाने पानी ले आओ, उसमें से पानी पी लो, तुम बड़े हारे थके आयो, दोपहर ही पड़ रही। तो पानी पीने गए, इतनी देर में पर्ची बदल दी और यूँ छुड़ुम छुड़ुम करके एक पर्ची उसने पर्ची ले जाके संध्या को भगवान राम के चरण में रख दी। क्या प्रभु पहली पर्ची भगवान के चरणों में रखी और दूसरी पर्ची भगवान के चरणों में रखी। अब तो साफ कर दोबारा उसने शुरू कर दिया मांगना, क्योंकि उसके छलता है। जब दोबारा उनसे मांगा तो उनकी मैंने हिसाब कर तो दिया, नहीं 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 तुम मुझे नहीं देखे गए, मेरा पैसा भी मांग। उस जमींदार था, उसने अर्जी अपनी ले जा करके एक प्रार्थना पत्र टाइप करवा करके कोर्ट में अर्जी दे दी कि अमुक अमुक व्यक्ति ने मेरा धन नहीं दिया, इससे मेरा धन दिलवाया जाए। लाइसेंस उसके पास था, सम्मन गया, उसको माधव को बुलाया। तो माधव से पूछा जज ने कि माधव आप बताएं आपने इनसे पैसा लिया था। बोला हाँ हजूर मैंने पैसा लिया, मालिक मैंने पैसा लिया। आपने फिर इनका वापस किया, बन के बिल्कुल वापस किया। तो बोले इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बन इन्होंने पर्ची मुझे दी थी, वो पर्ची मेरे पास अभी भी सुरक्षित रखी है। माधव दौड़ा दौड़ा गया और वहां से पर्ची प्राप्त की और पर्ची प्राप्त करके दूसरे पेशी पर जज को पेश कर दी। देखा तो पर्ची कुछ लिखा नहीं, पढ़ा लिखा बेचारा था, बिल्कुल अपना। जज ने पूछा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, लिखा है ये इन्होंने ही मुझे पर्ची दी, तो उसमें कोई तुम्हारे साक्षी था ना, किसी के सामने दिए थे आपने? वो इनके और मेरे बीच में मेरे रघुनाथ की साक्षी थे। जज ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति इनके बीच में था, इनके बीच में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति। वो रघुनाथ कहाँ रहते हैं? बन के हमारे गांव में मंदिर बना हुआ है, वहां रहते हैं। जज ने सोचा कोई पुजारी होगा मंदिर में जो रघुनाथ जी की क्या वो रघुनाथ नाम का होगा, पर कहाँ है पता लिखा दे। उसने अपने गांव के फलाने मोहल्ले में मेरे रघुनाथ जी का मंदिर है, उसको निवास कर, तो मंदिर के नाम संबंध जारी कर दिया। अब वो कोर्ट का जो चपरासी होता है वो लेकर के सम्मन को पुजारी के पास पहुंचा। बोल महाराज ये सम्मन है। बन किसका सम्मन है? अमुक अमुक वो जो केवट है माधव, उसका केस कोर्ट में चल रहा है, उनसे संबंधित ये पैसे से संबंधित कोई मामला है। तो उसने कहा कि मंदिर के जो रघुनाथ जी वो हमारे मुखिया के बीच में साक्षी। बाने वो सम्मन ले लिया, वो जानता था, नित्य मंदिर जाता, सुबह झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, नित्य माधव जाप करता था। जाके पहुंचा, सम्मन पुजारी ने कोला देखा, लेके मंदिर में रघुनाथ जी के पास गया कि ले महाराज आज तक तुम्हारे मंदिर में हलवा पूरी खूब आए और पैसनियां आई हैं और गले के फूल माला और हार आए, पीले वस्त्र आज तक आए, लेकिन महाराज सम्मन पहली बार आया कोर्ट से, सम्मन को आप स्वीकार करो।
रघुनाथ जी के चरणों में वो रख दिया। पर पुजारी भी बड़ा दयालु प्रवृत्ति का और बड़ा भक्त मनोवृत्ति का, उसने परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके आंसू डालते हुए बोला कि माधव प्रभु बिल्कुल निर्दोष है, इसको मेरा हृदय जानता है। ये जो क्या नाम है मुखिया, ये कपट जाल करके इसको फंसाया, पर प्रभु उसकी कोई और आस नहीं है, एक केवल आप ही उसकी आस है। तो मेरे रघुनाथ उसके उसमें आप जाना जाना, क्योंकि उसका आपके सिवाय कोई नहीं। हे मेरे प्रभु, हे राम जी, हे राघव, आप यहाँ बैठे बैठे मत रह जाना, जाना जाना क्योंकि उस माधव का, पैसे वालों के तो बहुत होते हैं, उनके तो बहुत आ जाते हैं और गवाही देने के लिए बहुत आ जाते हैं, लेकिन प्रभु माधव निर्धन है, गरीब है, असहाय है, केवट है, उसके पास प्रभु कुछ है और आपके सिवाय उसका कोई सहारा नहीं। तो प्रभु आप माधव को जाना, आप प्रभु मेरी स्मृति को स्वीकार करें। कोर्ट में समय आने पर तारीख, वहां संवाद तय हुआ। मुखिया ने पूछा कि इसके गवाह को लाया गया, जज ने आवाज लगाई वहां कि वो जो गवाह रघुनाथ नाम के वो हाजिर है। पूछा उससे कि भाई कहां है तुम्हारे रघुनाथ, बोलते तो सर्वत्र है मेरे रघुनाथ, लेकिन उसके हृदय में विश्वास था कि मेरे रघुनाथ मेरी गवाही देने के लिए जरूर है। तो जब देखा तो एक बूढ़ा लाठी देखता हुआ, जब आवाज पड़ी रघुनाथ, उसने यूं हाथ किया कि मां बोला आप रघुनाथ, बोला हां मैं रघुनाथ। लटिया टेकता हुआ खटखटाता हुआ वो बूढ़ा पुरुष आया। जज ने पूछा कि आपके सामने ये पैसा इसने दिया था, बोला हां निश्चित रूप से मेरे सामने इसने पैसा दिया, उसका क्या प्रमाण है कि वन कहीं आप किसी व्यक्ति को चपरासी को भेजिए इसके घर, इसने जो सच्ची पर्ची थी वो अभी भी अपने किताब में अपनी कॉपी में रखी हुई है, उस डायरी को नहीं पाया। झटपट से क्या नाम है कोर्ट का कर्मचारी गया और वहां डायरी लेकर आया। तो जब डायरी लेकर के आया तो उसमें सत्य हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुखिया को सजा हुई, माधव को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। जाके शाम को जज अपने घर गया, रोने लगा और कारण किसी को नहीं पता कि क्यों रोए, रोए ही जाए, आंखों में सजल नेत्र और क्या नाम है रो ही जाए। उसके घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, पर किस तरीके से घटना देखी, पर उसमें रोने की क्या बात है, और रेने की ये बात है कि जगत का स्वामी मेरे सामने खड़ा है और मैं कुर्सी पर बैठा, परमात्मा मेरे सामने, रघुनाथ जी मेरे सामने खड़े, फिर भी मैं कुर्सी पर बैठा, वो मेरे कोर्ट में आए फिर भी मैं दर्शन नहीं पा सकता। उसी दिन से रिजाइन किया, प्रत्याग किया नौकरी का और वृंदावन में आकर के वो महात्मा बहुत समय काम करता। तो परमा सच्ची जहां निष्ठा होती है।